Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है नथिंग फोन बंद और आपको करना है अपने फोन की थ्री बटन नेविगेशन की सेटिंग, तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे फोन में लगाए हुए यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन। अगर आपको यहाँ पे लगाना है जेस्चर नेविगेशन या फिर आपके इस फोन में बटन सेट है आप उनका डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, जैसे कि बैक बटन आपका आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर और उसको राइट हैंड करना है, तो उसको भी कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर आपके बटन सेट है जेस्चर नेविगेशन आपको लगाना है तो उसको भी आप कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में पता लेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाइए, सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जिसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर। सिंपली आपको जेस्चर्स पर क्लिक कर लेना है। जेस्चर्स पर क्लिक करते हैं तो आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको इस फोन में चाहिए थ्री बटन नेविगेशन तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकेंगे थ्री बटन नेविगेशन आ चुके हैं, पर दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपका जो बैक बटन है वो लेफ्ट हैंड पर आ रहा है। अगर आप उसको राइट हैंड पर करना चाहते हैं तो उसको भी सेट कर पाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जेस्चर्स नेविगेशन को लगा सकते हैं। अगर चाहिए आपको बैक बटन राइट हैंड पर तो उसको सेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बार नाम से, तो सिंपली हम इसको डाउनलोड पहले से करके रखे हुए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है और इसको ओपन कर लेना है। कुछ सेटिंग मैं आपको बताऊं वो बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। एग्री पर क्लिक करना है, गो टू सेटिंग पर जाना है, जिसके बाद आपको नेविगेशन बार सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको परमिशन दे दीजिए एंड अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो बैक बटन नेविगेशन नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक और सेटिंग आपको कर लेनी है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना है और नेविगेशन बार पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पे आप दो तरह से नेविगेशन का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से बैक कराकर और नीचे नेविगेशन आ रहे हैं उनको यूज कराकर। तो यहाँ पे आपको जाना है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने डाउनलोड करके रख रखा। इसका डायरेक्शन भी आपको सेम उसी तरीके से आ रहा है जो कि उस जो फोन का रहता है उस टाइप का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पहले से इस तरह से इस पर क्लिक कर देना तो डायरेक्शन बदल जाएगा। इसको और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं एप्लीकेशनों को तो आपको सिंपली यहाँ पे ये देखने को मिलेगी इसकी हाइट। आप देख सकते हैं इनको इस तरह से बड़े छोटे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस फोन में थ्री बटन नेविगेशन की सेटिंग को पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।